हेलो फ्रेंड्स, मैं बिमल, हेल्दी लाइफ में आपको स्वागत है। आज बात करेंगे कि फ्रिज का पानी हमारे लिए कितना नुकसानदायक है। हमें कभी भी जो है ठंडा पानी, बर्फ़ का पानी, फ्रिज का पानी जो इसका सेवन खाने खाने के बाद नहीं करना चाहिए, वैसे तो कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ठंडे की आवश्यकता है तो आप जो है मटके का पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं या साधारण जैसा जो है पानी होता है उसका इस्तेमाल करें। गुनगुना गर्म ना पिए तो कम से कम जैसा साधारण पानी होता है उसका सेवन करें। क्यों करें? खाना खाने के बाद हमने पानी पी लिया, मान लीजिए ठंडा। अब चूंकि हमारे भोजन में जो पाचन होता है वो शरीर के ताप पर होता है, जैसे हमारा शरीर का टेम्परेचर होता है, गर्म होता है, और जो भोजन है, तो कहते हैं ना, जब भोजन को जब हम बाहर पकाते हैं तो बाहर पकाने के लिए चूल्हे या गैस या जिसका भी ईंधन का प्रयोग करते हैं तो उस आग पर पकाते हैं। जब हम भोजन को जो है जब खा लेते हैं तो उसके बाद वो भोजन भी तो हमारे शरीर में पक रहा है, पच रहा है, तो पक रहा है तो उसके लिए भी उसको टेम्परेचर चाहिए, उसको ऊर्जा चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो वो कौन सी एनर्जी है? हमारे शरीर की एनर्जी, हमारे शरीर के जो है टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर जो है भोजन जो है पचता है। लेकिन जब हमने खाना खा लिया, शरीर तैयार हो गया उसको पचाने के लिए, वो हमने ठंडा पानी पी लिया। अब ठंडा पानी पीते ही क्या है कि वो आग थोड़ी सी, कहते हैं जठराग्नि, हमारे पेट में जो है जब भोजन जब जाता है तो जठर रस, पैंक्रियास या ये जो HCL अम्ल, जो भी मतलब भोजन के पाचक रस हैं जो भोजन को पचाने के लिए जो पहुंच जाते हैं और आमाशय भी जो है तैयार हो जाता है, जब उस पर जो आग में, कहते हैं उसमें सभी जो है भोजन तैयार है पकने के लिए और आग जो है उसमें जल रही है, और ऐसे कंडीशन में आपने तुरंत उसमें ठंडा पानी डाल दिया तो आग जो है बुझ गई। अब शरीर क्या करेगा? उसको फिर से जो है गर्म करेगा। किसको? पहले उस पानी को गर्म करना पड़ेगा, तब पूरा भोजन साथ में जो है उस हीट में पहुंचेगा, तब वो जो है पचना शुरू होगा। तो इस तरह से वो भोजन पूरी तरह से पचता नहीं है, अपच की शिकायत होती है, गैस का जरूरत रहती है, तो इसलिए वो भोजन हमारे लिए लौट के जो है नुकसानदायक हो जाता है। तो अतः सभी साथियों ये बात को समझे होंगे कि कभी भी हमें जो है ठंडे पानी का सेवन नहीं करना चाहिए, खासकर भोजन के बाद तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो सभी साथी इसका ध्यान रखेंगे। ये बात यदि समझ में आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए। सभी साथियों को निमंत्रण का नमस्कार।